हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं गीता सिंह, कैसे हैं आप सभी लोग। होप करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि कुछ लोग आज भी जन्माष्टमी मना रहे हैं और कुछ लोग कल मनाएंगे। तो मैंने अपनी डेकोरेशन की जो तैयारी है मेरी, वो मैंने स्टार्ट कर दी है आज से ही, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा काम हो जाता है, पूजा का भी, मिठाई वगैरह भी बनानी होती है, तो डेकोरेशन के लिए टाइम कल मुझे नहीं मिल पाएगा। तो आज ही मैंने डेकोरेशन की तैयारी अपनी कर दी है। जो कुछ भी मेरे पास प्लांट्स रखे थे घर में, आर्टिफिशियल प्लांट मैंने यूज किए हैं, और ये जो मैंने फूल माला ली है ये भी आर्टिफिशियल ही हैं। आप मार्केट से आसानी से इनको ले सकते हैं, एकदम रियल फूल लगते हैं और काफ़ी सुंदर भी लगती हैं, एकदम से अच्छी डेकोरेशन हो जाती है इन सब से। तो मैं वही कर रही हूँ, और ये जो वीडियो बनी हुई है इतनी ज़्यादा हिल रही थी, काफ़ी ज़्यादा, जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ ना तो मुझे भी समझ आ रहा था कि हाँ हिल रही थी वीडियो, क्योंकि हिमांशु बना रहा था, और वो तो आप सब जान ही सकते हैं, वो तो अपनी मर्जी से ही काम करता है, जितनी भी उसकी वीडियो बनती है ना वो हिलाता तो ज़रूरी है, तो वो ही वीडियो बना रहे। तो चलो इस चीज़ को तो हम इग्नोर कर ही देते हैं। इधर मेरी डेकोरेशन की सारी तैयारी हो चुकी है, बस थोड़ी बहुत जो बाकी है वो ही बची है। और जो ये मोर पंख है ना, ये मेरे पास काफ़ी टाइम से रखी हुई थी, क्योंकि मैं अपने ससुराल से लेकर के आई थी, वहाँ काफ़ी ज़्यादा होते हैं मोर वगैरह, आते रहते हैं घर पर, तो वहाँ पे थे मोर पंख, तो मैं वहीं से लेकर के आई थी, काफ़ी ज़्यादा है मेरे पास, तो मैंने वो भी यूज कर दी हैं। तो कान्हा जी की जो ये डेकोरेशन है मोर पंख से, तो एकदम से चार चांद जैसे लग चुके हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, एकदम से पॉजिटिविटी वाला माहौल बना हुआ था चारों तरफ। और नीचे मार्केट में तो आप देख ही सकते हैं कि इतनी ज़्यादा चहल पहल हो रखी है ना, अब तो ये समझो कि छठ पूजा तक त्यौहार ही त्यौहार की धूम मची रहेगी। इतना मन लगता है कि आपके ये वाला त्यौहार आ गया, क्योंकि ये वाला त्यौहार आ गया, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो डेकोरेशन मेरी हो रही है, और ये मैंने आर्टिफिशियल माखन की जो मटकी होती है वो मैंने बना ली है, लेकिन मैं रियल वाला भी माखन बनाऊंगी, आज ही बनाने वाली हूँ मैं। तो मैंने ये थो रख दी है मटकी आर्टिफिशियल, और इसके बाद फिर मैं बैलून भी लगाऊंगी। मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था, तो इधर मेरे सारे बैलून मैंने फुला करके रख लिए हैं, और अब बस बारी है तो बैलून लगाने की। जी हाँ, वैसे तो मेरी सारी डेकोरेशन हो चुकी है, आप लोग भी देख ही सकते हैं, और कितने प्यारी सी लग रही है मटकी जो है ना, वो तो एकदम से ऐसी लग रही है जैसे कि रियल माखन की मटकी क्यों ना लगा दी हो मैंने। तो मैंने फिर ये जो छोटे छोटे बैलून्स थे ना, ये मैंने फुला करके झूला पे लगा दिए। वैसे मैंने लगा करके देखा ही था कि देखती हूँ कैसे लगेंगे, लेकिन इनका लुक एकदम से प्यारा सा आ गया। तो मैंने एक साइड में लगाए थे, और एक साइड में लगाने के बाद भी और भी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये डेकोरेशन। हल्की फुल्की थी मैंने अपने हिसाब से की, लेकिन इसमें टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लग गया है, तो आप भी इसी तरीके से अपने घर में हल्की फुल्की जो डेकोरेशन है वो कर सकते हैं। सिर्फ घर की ही चीज़ों से मैंने सारी डेकोरेशन की है, कोई भी चीज़ मैं नई खरीद के नहीं लाई हूँ, जो मेरे घर पे ही थे वही सारी चीज़ें मैंने यूज की हैं, और सबसे ना एक अच्छा सा लुक आ गया है घर में, तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या होने वाला है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छी पॉजिटिविटी आई हुई है। अब कल देखते हैं कान्हा जी का हम वेलकम कैसे करते हैं, उनकी जन्माष्टमी है, उनका बर्थडे हम किस तरीके से मनाते हैं, गोपाल जी को कैसा लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए अच्छा करने की कोशिश करेंगे, बाकी तो कान्हा जी के ऊपर है वो कैसा करवाते हैं, बाकी देखते हैं। और जितना भी वीडियो होगा ना, मैं आगे भी आप सबके साथ में शेयर करने वाली हूँ। आज का वीडियो आपको कैसा लगा वो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट जरूर कीजिए, और मेरी डेकोरेशन कैसी लगी वो भी आप मुझे जरूर बताना। मिलती हूँ ऐसे ही एक अच्छी सी न्यू वीडियो के साथ, बस आपका सपोर्ट चाहिए। जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।